जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमारे सिटी बेश में रात के वक्त थोड़ी बारिश हुई थी, बट और वो अभी तक सिलसिला थोड़ी थोड़ी बारिश का जारी है। और हमने कहा व्हाई नॉट गो बैक टू दैट आम के बागाज आ जाए, क्योंकि इन जगहों पे बारिश का मौसम अलग ही एक खूबसूरती होती है। तो पहुँचे फिर से आज मैं आपको अपने हस्बैंड से भी मिलाऊंगी, क्योंकि वो एक एग्रीकल्चर लैंड है उनकी और वो बिलोंग, तो वो हमें बताएंगे थोड़ा सा हमें कि किस तरह ये बाग लगाया गया है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो उनसे डिटेल कुछ कंफर्म करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वॉच एंड listen the different voices of these birds and thodi thodi halki halki barish hai uski alag awaaz hai। actually kal maine jo vlog banaya tha wo thoda bahar ki taraf tha, wo main is garden ke andar baad mein aayi, pehle main raste hi pe, kyunki itni excitement thi is jagah ko dekh ke ki बस मैंने कहा व्लॉग शुरू कर दो क्योंकि मुझे जो जगह दिख रही थी बहुत खूबसूरत थी, कैमरे ने उतना कैप्चर नहीं किया। बट आज मैंने फिर हस्बैंड ने भी यही कहा कि आप इसको अंदर से जाके बनाएं, ये अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और नो डाउट ये देखें, आसमान कहीं कहीं से झांक रहा है और दरख्त हैं, पत्ते हैं, साया है नीचे, ये देखें साया है, और बस खूबसूरती ही खूबसूरती है कुदरत की, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं आज ये अंदर से सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि ये अंदर से जितना इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ये उतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। हल्की हल्की बारिश की बूंदों की आवाज़ है, कहीं कहीं बर्ड्स की आवाज़ है यहाँ पर, और हवा आज कम चल रही है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। थोड़ी सी देर सुनिए इनकी आवाज़ों को, एंजॉय कीजिए। नीचे ज़मीन को छूते हुए दरख्त हैं, ये कहते हैं ना जब फल आता है तो वो झुक जाते हैं दरख्त, और वो यहाँ पर दिख रहे हैं बिल्कुल नीचे नीचे लगे हुए दरख्त, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। ऊपर से इस बारिश ने तो बहुत ही ज़बरदस्त वेदर को कर दिया है। कल हल्की हवा थी, तेज़ हवा थी बल्कि, क्योंकि पत्तों की बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, लेकिन हल्की सी इसमें गर्मी थी थोड़ी सी। बट आज जो है हवा नहीं है, बट बारिश की वजह से जो है एक वेदर में एक अच्छा प्लेजेंट एनवायरनमेंट है, प्लेजेंट है यहाँ पर ना वेदर। ये देखें ज़मीन पे लगे हुए दरख्त हैं बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना शाखें झुक जाती हैं, तो ये देखें ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, ये बहुत ज़्यादा नीचे हुआ है पता पौधे, ये दरख्त जो है बहुत ज़्यादा नीचे है। ये देखें इसके पत्ते भी गिर रहे हैं, हल्की हल्की बारिश है ना तो इस वजह से जो पत्ते ऑलमोस्ट अबाउट टू ड्राई हैं
उस रेन की वजह से हल्के हल्के गिर रहे हैं। बहुत अच्छी ड्रिजलिंग है बेसिकली, इट्स नॉट कॉल्ड टू बी रेन, रेन नहीं है, ड्रिजलिंग है, बहुत खूबसूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू व्यूअर्स, जैसा कि वाइफ ने इंट्रोडक्शन दिया है कि आज हम देश में देश जज़ान सऊदी अरेबिया उस एरिया में हैं जहां बहुत ही खूबसूरती है, नेचर है, और पहली दफ़ा हमें आने का मौका मिला क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू विज़िट द लोकल्स ऑर्चर्ड लाइक दिस। आज बारिश भी हो रही है, आपको लग रहा होगा कि मेरे शायद कपड़े भीगे हुए हैं, लेकिन बारिश हो रही है। इतना खूबसूरत मंज़र है कि हमें आज ईद के दिन यहाँ खींच के लाया। कल हमने इस एरिया को डिस्कवर किया, तो जब मैंने इस बाग को देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने साथियों तक ये पहुँचाएँ। ये बाग पाकिस्तान में आजकल एक नाम आपने सुना होगा, पिकनिक, पायदार काश्तकारी, कुदरती निज़ाम में काश्तकारी, पायदार कुदरती निज़ाम में काश्तकारी, जो डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब ने मुतारिफ करवाया है, अमेरिकन प्लॉट है। वो मल्चिंग पे और इस पिकनिक के बारे में बहुत कोशिश कर रहे हैं लोगों को मोटिवेट करने की, लोग शुरू हो गए हैं, इंशाल्लाह ताला काफ़िला बन जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे प्रैक्टिकल मिला देखने को पिकनिक का। आपको नज़र आ रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में ये मल्चिंग की एक तह है, जो पत्ते गिरे हैं उन्होंने साफ़ नहीं किया, कल्टीवेट नहीं किया, और जो पौधों का डिस्टेंस है आपस में वो 15x20 है, 15x25 है, जो आजकल बातें हो रही हैं पाकिस्तान में हाई डेंसिटी मैंगो की, तो ये हमसे आगे हैं। हालांकि यहाँ ना कोई कंसेप्ट है पानी का, ना नहर का, ना कोई किसी भी चीज़ का, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले इस निज़ाम की बुनियाद रखी, और आज ये बाग जो है देश में एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। तो व्यूअर्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनके लिए ये एक एग्जांपल है बहुत ज़्यादा, और वैसे जो दूसरे व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंज़र की अक्कासी हमने करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को दिखाया जा सके कि क्या खूबसूरत मंज़र हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें दूसरी तरफ कितना खूबसूरत मंज़र होगा, यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा। जी बस इंशाल्लाह हम मूव करेंगे यहाँ से, अपने हस्बैंड से, मेरे हस्बैंड से थोड़ा सा देखा सुना, होप्स आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत बैकवर्ड एरियाज़ हैं, बट माशाल्लाह इनका जो काम करने का तरीका है बहुत अपग्रेडेड है। होप्स आपको ये पसंद आएगा व्लॉग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।